Hi, this is Dr. G. And today we will discuss uh, another topic uh, which is <clears throat> taken from this book Pharmacology uh, Drug clearance by kidney. Drug must be uh, sufficiently polar to be eliminated from the body. Removal of drugs from the body occurs via a number of routes, the most important being elimination through the kidney into the urine. Patient with renal uh, dysfunction may be unable to excrete drugs and risk of accumulation and adverse effects. Basically, आज जो हम पढ़े पढ़ते हैं वह है drug clearance by kidney। जब भी आप एक drug लेते हैं, आपने previous lectures में absorption, distribution और उसकी metabolism पढ़ लिए, तो वही base पे आ रहे हैं कि जब भी आप एक drug लेते हैं, उसकी पहली stomach पे पहली उसकी absorption हो जाती है, उसके बाद distribution और उसके बाद hepatically या कुछ इस एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है और उसके बाद वो ड्र क्लियर होता है बॉडी से तो उसकी मुख्तलिफ रूट्स होते हैं हमारी बॉडी में एक रूट्स वेल लाउंड रूट जो है रीनल आ, के थ्रू रूट्स में जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं दूसरा बाइल या फीसिस के थ्रू और और भी है अदर रूट्स आपसे इन्वॉल्व बट वो आ, ए, दूसरा लेक्चर आ रहा है तो उसमें आप पढ़ लेंगे कि अदर रूट्स में क्या इन्वॉल्व है स्वेटिंग है आपके लंग्स जो जो आप उसको कफिंग करते हैं तो उसके थ्रू ड्र मुख्य ड्रग से एक्सट्रीट होते हैं आर सलाइवेशन के थ्रू आप मुख्तलि एक्सन रूट हैं वो आप पढ़ लेंगे बाद में लेकिन आज हम पढ़ लेंगे ड्रग लहरस वो ड्रग जो कि आपकी किडनी के थ्रू एक्सलिट होती है तो वो तो ड्रग जो भी ड्रग आपकी किडनी के थ्रू एक्सलिट होता है वो फर्स्टली उसमें फेज वन एंड फेज टू मेटाबोलिज्म होती है जो कि उसके साथ ऐसे जबरदस्त फंक्शनल ग्रुप जो कि हाइड्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच हो जाते हैं और उस अटैचमेंट की वजह से उसकी पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है पोलरिटी जब इंक्रीज हो जाता है ड्रग बिकम पोलर ड्रग बिकम जो है वो अनाइज फार्म में आयोनाइज फॉर्म में चला जाता है बॉडी तो, तो वही चीज़ हम पढ़ रहे पढ़ रहे हैं तो ऑफ ड्रग जो है मुख्तलिफ उसमें प्रोसेस इवाल्व होते हैं किडनीसो फिलट्रेशन फर्स्टोरल एक्टिव टूब लास्ट वन ट्रेबस तो हम उसको पढ़ेंगे कि किस तरह ये अच्छा फर्स्ट हमारे पास जी एफ आर जी जिसको हम ग्लोबोरल फिल्ट्रेशन रेड भी कहते हैं सो जो भी ड्रग आपकी किडनी में एंटर हो जाता है तो फर्स्टली वो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ ये फर्स्टली आप यहाँ पे दे, देख रहे हैं कैप्सूल्स तो के कैप्सूल में हमारे पास बलू फिल्ट्रेट होते हैं जो फर्स्ट लीडर यहाँ पे जो फ्री ड्रग्स आते हैं बॉडी में जो ब्लड में फ्री ड्रग होते हैं वो है यहाँ पे आके अटैच के होके हो उसमें प्रोक्सीम कम्यूनिटी टिब्यूल और इस बात में यहाँ पढ़ेंगे तो फर्स्ट वन इस ग्लूमरल फिल्ट्रेशन जो रीनल आर्टरी के थ्रू ग्लोमोल फिल्ट्रेट में ड्रग आ ड्र, 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 जाती है जो कि अनबाउंडस्ड होती है जो कि फ्री होती है इट्स मीन एल्ब्यूमिन के साथ उसकी बाउंड नहीं होती तो जब वो भी बाउंड कैप्सूल में आ जाता है नॉर्मली यहाँ पे है कि जी एफ आर रेट वन ट्वेंटी फाइव एम एल पर मिनट्स होती है जो कि आपके इंडिकेशंस करती है, आपकी है, तो आपकी है तो कि आपकी किडनी नॉर्मलिटी है कि नहीं तो जब भी आपकी वन ट्वेंटी फाइव एम एल पर मिनट्स आती है क्लियर तो इस मीन कि आपकी जी एफ आर रेट नॉर्मल है आपकी किडनी नॉर्मल है अगर उसमें कोई वेरिएशन आ जाती है तो इस मीन रिनल डिजीज़ वो शो करता है तो ये चीज़ है कि जी अफार फिल गल फिल्ट्रेशन सबसे पहले फ्री ड्रग यहाँ पर आ जाती है सब इन सिक्यूज़ की आपकी बाउड्रग इं यूर सो बा नहीं हो सकती यूरिन में यहाँ पर फ्री ड्रग आती तो तो है तो लिपिट साल्रग्स ये मुख्तिक ड्रग्स यहाँ पे आ जाते हैं तो जब भी लिपिड साल ड्रग हो तो वो लास्ट में जो आप डिशनल कम्युनिटी और प्रांसिपल कम्यू ट्रिब्यूल या एक्टिव सिक्यूशन के थ्रू वो दोबारा हो जाते हैं तो ये मुख्तलिफ होती है ग्लोबरल फ़िल्ट्रेशन जिस साल बाद ग्लूबरल फिल्ट्रेशन नेक्स्ट आप चलते हैं Proximal tubular secretions, drug that toward not transfer into the glomerular filtrate, leave the glomeruli through the efferent arterioles, which is divided to form a capillary plexus surrounding the lymphatic lumen in the proximal tubules. आपने जो के टीब्यूज केक्चर देख ली कि प्रोक्सीब्यूट यहाँ पे एक्सिक्रेशन हो जाती है एक्टिविक्रीशन हो जाती है तो जब भी एक ड्रग अप्रॉक्सीम यहाँ पे नौब की अफसूल से प्रोक्सीबल आ जाती है तो वहाँ पे कुछ रिएक्शन होती है यहाँ पे एसिड और बेस की रिलीज हो जाती है तो जब भी एक ड्रग एसिड एसिड के लेचर हो वीक एसिड ड्रग हो तो यहाँ पर रिलीज हो जाता है यहाँ पे बेस रिलीज हो जाता है तो उसकी ड्रग की एसिडिटी और एसिडिटी को थोड़ा बहुत ये न्यूट्रलाइज करके बॉडी से एक्सट करते हैं अगर आगे एल वाइस वर्षा अगर आपकी बॉडी बेस ड्रग है अगर यू हैव अ बेस ड्रग आपकी किडनी में बेस ड्रग आ गई वी के बेस तो यहाँ से कुछ एसिड एसिड रिलीज हो जाते हैं जिसको ये न्यूट्रलाइज करते हैं और बॉडी से एक्सट्रीट करते हैं सो so, यहाँ पे एनाइल और केटाइन की बहुत ही बहुत ज़बरदस्त बात है कि उसकी सिक्रीशन हो जाती है तो उसकी वजह से ना आपकी यूरिन जो नॉर्मल हो जाती है या ना इसटिक होती ज़्यादा बेस हो जाती है दस दिस कम्पिटिशन लास्ट वन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दिस कम्पिटिशन ट्रक्स जब दिस कैरियर के आकर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स सो दूट इन फैक्ट टिज्म तो वहाँ पे जो इन्फेंट्स होते हैं जो कि नॉर्मल उसमें ट्रिब्यून और सिग्नेटरी मेकेज नहीं होती है तो उसमें ये ड्रग्स जो है वेरिएशन कर सकते हैं अच्छा थर्ड वन इज द डिस्टेंट ट्रिब्यूनल रिओज्जॉर्प्शन यहाँ पे ऑफ आपकील के नीचे आप देख रहे हैं तो ये पार्ट ऑफ डिस्टेंट ट्रिब्यूनल या उसकी है तो यहाँ पे बेसिकली मोस्टली यहाँ पे ड्रग की रीअ होती है वो ड्रग जो कि अन आयनाइज अनचार्ज होते हैं तो वो ड्रग रि एब्जॉर्व हो जाती है जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर होते हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं अगेन मैं आपको बताऊँ कि जो ड्रग जो कि हाइड्रोपोबिक होती है लिपिड साल होते हैं जो कि अनचार्ज होते हैं स्टेट होते हैं तो वो रिओब्जॉर्व हो जाते हैं वो ड्रग जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक uh, रिलेशंस जो कि उसमें बिकम चार्ज भी ड्रग्स होते हैं मतलब वो पोलर होते हैं पोलर पोलरिटी उसकी इंक्रीज होते हैं तो वो ड्रग एक्सक्रीट हो जाता है इन यूरिन सो so, uh, यही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की है कि एस और ड्रग मूव टूवर्ड द डिस्टेंस की भी से इसका सेटरेशन इंक्रीज एंड एक्सीड दैट ऑफ द पैरावस्कुलर स्पेस द ड्रग इफ अनचार्ज में डिफ्यूज आउट द

तो वो डायरेक्टली एक्सडिट हो जाती है तो उसकी बॉडी में उसकी क्लियरेंस ज़्यादा होती है और इसकी बॉडी में कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग कम हो जाता है तो यही चीज़ें यहाँ पे कुछ ऐसे आ, लिए लिए वीक वीक एसिड के भी एलिमिनेटेड ऑफ और बेसिस को वीकेश ऑफ यूर वही चीज तरीका यहाँ पर भी है यहाँ पर जो तरीका है कि वीकेश जब ड्रग आ जाती है तो उसको रिलीज हो जाता है बेस तो अल्कनाइजेशन एजेंट हो तो और जब बेस आ जाती है तो उसकी एसिड रिलीज हो जाते है तो इस प्रोसेस को आप पे कहते हैं आय ट्रैपिंग आय ट्रैपिंग इज मोस्टली अकर इन द डिस्टल ट्युब्यूलस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस तो यही चीज है आप एक एग्जांपल दिया है कि फिर बारबिटॉल वीक एसिड है जब ये यहां पे पहुँच जाता है डोज के बी गिवन तो उसको हम बायोकॉब देते हैं क्योंकि वो अल्कलाइन है, uh, है तो उसको बेस एजेंट है तो एजेंट आपकी फिरटोल को यूटिलाइज uh, करके उसकी बॉडी से एक्सक्रीट करते तो उसकी रिओब्जॉर्शन कम हो जाती है अच्छा रोल ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या रोल है ड्रग मेटामिज्म के मोस्टिड सॉल एंड आउट केमिकल मॉडिफिकेश The drug than the space. Again, मैं आपको बताऊँगी जब भी आपकी बॉडी में जब भी आपकी किडनी में पेरावास्कुलर स्पेस में ड्रग ज्यादा होती है जब भी ड्रग डिजिटल ट्रिब्यून में जब भी ड्रग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पेरास्कुलर स्पेस हो तो उस प्रोसेस को हम इसके प्रोसेस के ऑलरेडी मैंने आपको कहा भी है कि जब भी एक ड्रग की पेरोजॉर्ब हो जाती है तो अगेन जाके वहाँ पेपेटिक एरिया में फेस टू मेटाम हो के दोबारा पोलर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रग एंटर हुआ है में यहाँ पे प्रॉक्ष प्रॉक्ष कुछ सेक्रेशन हुए हैं डिस्टल टी व्यूज है और लास्ट में जब आप देख रहे हैं फेज वन और फेज टू मेटाबॉलिज्म वो ड्रग यहाँ पे होते हैं जो कि लिपिड सॉलबल है अगेन ये हेपेटिक के थ्रू उसकी मेटामो हो जाए ओके दोबारा यहाँ पे आ जाती है फ्रॉम द बॉडी सॉरी अबाउट द सॉरीयरेंस थ्रू किडनी तो हम नेक्स्ट तो और भी टॉपिक है जो कि हम रिलेटेड क्लियरेंस है तो वो भी पढ़ लेंगे कि क्लियरेंस अदर रूट यहाँ पे इन्वॉल्व है कि नहीं